नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एक नई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर बिल्कुल जैसे पहले करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही करेंगे। और मैंने यहाँ पर हमेशा की तरह पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस तरह बाइनोमियल्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना तो क्या करना होता है, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। और उसमें मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आप जो करेंगे वो 2x को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइए पहले मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेता हूं। चलो पहले मैं इसको एक बार पहले यूं का यूं लिख लेता हूं, 2x प्लस 5 और ये सेकंड ब्रैकेट है 4x माइनस 3। देखिए जब भी दो ब्रैकेट आते हैं बीच में कोई साइन नहीं होता तो समझो मल्टीप्लाई ही करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दीजिए 4x माइनस 3। अब बचा प्लस 5, तो प्लस 5 लिखिए और प्लस 5 को पूरे ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, ये उनके लिए भी होता है, कुछ आइडेंटिटी के क्वेश्चन आएंगे आगे, अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप इस मेथड से भी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अब आइए करते हैं 2 को 4 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 2 4 जा क्या होता है 8, ठीक है। और x को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर बन गया, माइनस का साइन हम लगाएंगे। और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 2 3 जा 6 होता है, और एक्स यहाँ पर तो एक्स यूं का यूं लगा देंगे, प्लस प्लस का साइन। और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और यहाँ पे एक्स लेगा तो आप भी एक्स लगाएं, माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 5 3 जा 15। जी हाँ ये 15, आइए ये आपका आंसर आ चुका है लगभग। आइए इसको एक बार फिर कर लेते हैं 8x स्क्वेयर। अब ये देखिए ये लाइक टर्म है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 20 में से 6 माइनस कर दीजिए, बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन है इसलिए प्लस का आएगा, 20 में से 6 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 14 14x, ठीक है, और माइनस 15। जी हाँ ये आपका आंसर आ चुका है, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बाइनोमियल्स का था मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, ये आपका आंसर निकल चुका है आपको। आइए अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ठीक वैसे ही है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये मैं इसमें लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको फिर वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, दोनों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हालांकि पहले ब्रैकेट में ही है लेकिन मैंने एंड को हटा के लिख दिया। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का मेथड वही होगा, पहले इस वाई को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 8 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मैं पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेता हूँ, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 को, और फिर ये माइनस 8 आ गया, माइनस 8 लिख लीजिए और अब इस ब्रैकेट को लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आइए क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशियंट है वो 1 है तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, y को y से किया y स्क्वेयर आ गया, माइनस y को 4 से करेंगे 4y बन गया, ठीक है बच्चों, माइनस का साइन आ गया, माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 8 3 जा 24। जी हाँ 24 आ गया, और y है तो y आप लिख दीजिए, और माइनस माइनस क्या होते हैं जी बच्चों, अब माइनस 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस का साइन आ जाएगा, और 8 को 4 के साथ करेंगे, 8 4 जा 32, ठीक है बच्चों। आइए हम इसको लास्ट स्टेप कर लेते हैं, 3y स्क्वेयर। अब ये देखिए दोनों लाइक टर्म हैं, दोनों के सामने माइनस का साइन है और माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, माइनस 24 और माइनस 4 कितने होते हैं, माइनस 28 होते हैं, और वाई हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों, और प्लस 32। जी हाँ ये आपका आंसर आ चुका है, और ये दोनों पार्ट मैंने सोल्व कर दिए हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके पार्ट 6 हैं, और मैं कोशिश करूंगा इसमें से मैं 3 पार्ट इसके बनाऊं, हर पार्ट में हर वीडियो में 2 2 पार्ट मैं लूं, ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने पे मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे बोर हो जाते हैं, उनको अगर एक मिनट भी ध्यान इधर उधर भटका तो फिर वो क्वेश्चन उनके समझ में नहीं आता, इसलिए मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, इजी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर ना रहे। बच्चों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और
अगर पसंद आते वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, और बच्चों इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।